चलो बच्चों स्टार्ट करेंगे हम लोग नया चैप्टर है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग। ओके, सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले वो है जीएसटी। जीएसटी ये एक तरह का टैक्स है, सबसे पहले मैं चीज बता दूँ। और ये जो टैक्स है ये ऐसा नहीं कि हमारे पूर्वों जमाने से चलते आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो जीएसटी ये ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से चलते आ रहा है, हमारे पुरखों ने लाया है या अंग्रेजों ने लाया है या हमारे कुछ 50 साल से चलते आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जीएसटी लागू हुआ वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ इंडिया में, और इससे पहले भी वो अदर कंट्रीज में लागू हो चुका था। तो सबसे पहले जब ये जीएसटी था नहीं तो था क्या हमारे पास? तो हमारे पास जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते थे या जब भी हम सर्विस लेते थे किसी से, तो जीएसटी की जगह पे हमें उनको इनकम टैक्स देना होता था। और ये इनकम टैक्स बहुत अलग अलग टाइप के हुआ करते थे। जैसे अगर मैं एंटरटेनमेंट पर्पस में जाऊँ तो मुझे एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता था, किसी लग्जरी चीज़ को मैं खरीदूँ तो लग्जरी टैक्स देना पड़ता। और ये जो टैक्स होते ना ये अलग अलग होते थे, ऐसा नहीं। अब सबसे पहले आप तो एक मुद्दा एक समझो कि टैक्स क्या है। आप टेंथ में आ चुके इतना तो पता ही है, सुना तो है टैक्स टैक्स टैक्स। टैक्स एक ऐसा अमाउंट है जो गवर्नमेंट को हमें देना पड़ता है इनडायरेक्टली। अब जाके ऐसा नहीं, मैंने आज एक सामान, मैंने एक पार्ले जी खरीदा और 20 रुपये का पार्ले जी और उसमें टैक्स लेके 22 रुपये आया, तो मैं 20 रुपये स्टोर वालों को दूँ और 2 रुपये मैं गवर्नमेंट को देने जाऊँ, ऐसा नहीं है। हम स्टोर वाले को ही सारा टैक्स दे देते हैं, वो स्टोर वाला गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देता है। तो टैक्स एक ऐसा अमाउंट हो गया जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना है। और गवर्नमेंट उस चीज़ का क्या यूज़ करेगी? आपकी भलाई के लिए यूज़ करेगी, चाहे वो आर्मी के लिए यूज़ करे, चाहे मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ करे, चाहे वो एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करे, कभी भी साधन संपत्ति के लिए यूज़ करे, वो आपके ही अमाउंट से आपके ही टैक्स से गवर्नमेंट यूज़ करती है। तो पहले ये जो टैक्स हुआ करता था ये बहुत अलग अलग टाइप के थे। लग्जरी वाले चीज़ों को लग्जरी का टैक्स देना पड़ता था, मतलब अगर मैं कोई बहुत कीमती चीज़ अगर मैं खरीदूँ तो उस कीमती वाले चीज़ को उतना ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब अमीरों को अमीरों वाला टैक्स। अगर मैं किसी मेडिकल पर्पस के लिए जाओ तो उस टाइप को वहाँ पे अलग टैक्स, वैट टैक्स होता था अलग टैक्स, सर्विस टैक्स होता था अगर किसी तरह का मुझे सर्विस प्रोवाइड करने, जैसे मेरी गाड़ी अगर खराब होती है तो मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना हो तो प्रोडक्ट का अलग टैक्स और गाड़ी का अलग टैक्स जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है। तो हर फील्ड में टैक्स जो था वो अलग अलग था। तो गवर्नमेंट ने 2017 में क्या किया, इसी टैक्स को वन नेशन वन टैक्स के रूप में जीएसटी लागू किया। जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें दो चीजें, एक तो सबसे पहले है गुड्स और दूसरी चीज है सर्विस। गुड्स मतलब कोई भी आप सामान खरीदोगे तो दिस इज कॉल्ड इज गुड्स, और आप किसी चीज से सर्विस लोगे तो वो आपका सर्विस वाले क्लास में आ जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है इसको जीएसटी, समझ में आया। और ये जो लागू हुआ था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। अब ये यूज कैसे करते हैं, ये टैक्स का यूज कैसे करते हैं और इसको पे कैसे करना होता है, मैं आपको सारी चीज में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो जीएसटी होता है इसमें भी दो टाइप के टैक्स होते हैं, हालांकि जो दो मेजर टाइप है, ठीक है, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। ठीक है, नाम में देखो भैया, सीजीएसटी सी फॉर सेंट्रल और एसजीएसटी में एस फॉर स्टेट। मतलब अगर समझो मैं किसी एक चीज को मैं खरीदता हूं 50 रुपये में टैक्स देता हूं, किसी भी चीज का मैं 50 रुपये टैक्स देता हूं, तो वो 50 रुपीज जो गया वो क्या गया हमारा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी गया। तो ये जो जीएसटी जो 50 रुपये है ये डिवाइड होगा सेंट्रल को भी और ये डिवाइड होगा स्टेट को भी, और डिवाइड में कोई पार्शियलिटी नहीं बॉस, ये दोनों कैसे होगा 50-50। समझ में आया क्या? 50-50 रुपीज दोनों का होगा। 50-50 रुपीज मतलब 50-50%, मतलब 25 रुपीज सीजीएसटी जाएगा, 25 रुपीज स्टेट होगा, क्योंकि दोनों का काम अलग अलग होता है। सेंट्रल का जो काम होता है वो अलग लेवल में, हायर लेवल में होता है, स्टेट का जो काम होता है हर एक स्टेट अपने अपने लेवल में काम करती है, तो दोनों का अमाउंट सेम जाता है। और ये पैसा देने वाला कौन? हम लोग, जो टैक्स पे करते वो हम लोग, और ये दोनों को चला जाता है कितने, 50-50% में।
अब मैं आपको यहां पे दो चीज समझाता हूं। पहला जो चीज है, फर्स्ट वाला चीज है, वो है टैक्सेबल वैल्यू, और दूसरी जो चीज है वो है टोटल वैल्यू। अब ये चीज आपको समझनी है बच्चों। इस चीज में क्या होगा कि टैक्सेबल और पेएबल, ये सॉरी टैक्सेबल वैल्यू और टोटल वैल्यू, एक और एक है पेएबल वैल्यू भी, मैं आपको पहले ये दोनों चीज का डिफरेंस बता देता हूं। टैक्सेबल मतलब अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूं, समझो मैंने 50 रुपए का एक टॉय लिया, 50 रुपीज का एक टॉय लिया, तो 50 रुपीज का उसका एग्जैक्ट वैल्यू है, मतलब वो 50 रुपए में कोई भी तरह का टैक्स नहीं जुड़ा है अभी तक, वो 50 रुपए उसका प्राइस है जब मैंने कोई टॉय खरीदा। और जब मैं स्टोर वाले के पास गया तो स्टोर वाला मुझे बोलता है, सर ये 50 रुपए इसमें कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका ये वैल्यू क्या हो गया, इसका 50 रुपीज टैक्सेबल वैल्यू। अब देखो सब आपको ये क्वेश्चन आएगा, सर इसमें तो टैक्स लगा नहीं बट इसके नाम में तो टैक्सेबल हो गया, ये कंफ्यूजन दूर करना आपको कि टैक्सेबल मतलब क्या, अब टैक्स केबल हो गया वो, समझ में आया, अभी तक टैक्स लगा नहीं था अभी उसको, अब वो टैक्स केबल हो गया कि वो 50 रुपए उसका एक वैल्यू था, मतलब 50 जिसको हम बोलते हैं एमआरपी बोल दूं मैं उसको, ठीक है 50 रुपए उसका एमआरपी रेट है वो टॉय खरीदने का, उस टॉय को मैंने खरीदा और जब मैं दुकानदार के पास गया तो दुकानदार जो बिल निकालेगा ना वो निकालेगा कि सबसे पहले 50 रुपए उसका प्राइस, बट उसको गवर्नमेंट को भी देना है तो उसमें वो जीएसटी लगा देगा, समझो 18% जीएसटी लगाया, सबसे पॉपुलर परसेंटेज यही है 18% जीएसटी, समझो इसका यहाँ पे 10 रुपए समझो जीएसटी निकलता है, 18% मान लो जब 10 रुपए जीएसटी निकलता है, तो वो अपने को जो वैल्यू देगा ये 50 रुपए वो टैक्सेबल वैल्यू और प्लस 10 रुपए उसका जीएसटी, मतलब टोटल वैल्यू कितना हो गया, समझ में आया बच्चों, दोनों में फर्क है, ये चीज समझना है आपको। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपके पास टैक्सेबल वैल्यू नहीं रहेगा और आपको सीधा टोटल वैल्यू दे दिया रहेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे होगा आपको टोटल वैल्यू दिया रहेगा और आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो टोटल वैल्यू दिया है, टैक्सेबल वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि आपको ये 60 रुपीज दिया है और आपको पता करना है कि उसका जीएसटी कितना था। और क्वेश्चन एक और एक ऐसा हो सकता है कि आपको 50 रुपीज दिया है और आपको बोलेंगे भैया इसमें 18% जीएसटी, तो बताओ अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है, समझ में आया। तो दोनों चीज में फर्क है, टैक्सेबल वैल्यू में मतलब टैक्स नहीं लगा है, क्या नहीं लगा है, टैक्स नहीं लगा, और टोटल वैल्यू में टैक्स लगा है, दोनों में फर्क समझ में आया आपको। अब दूसरा फर्क एक और एक चीज बता रहा हूं मैं आपको कि रेट क्या होता है, रेट एंड प्राइस। अभी देखो सुनने में आपको शायद लगा रेट, तो हम तो ऐसे मार्केट में जाते पूछते हैं कि भाई इसका रेट क्या है, इसका प्राइस क्या है, तो ये आपके दिमाग में हो सकता है कि दोनों मामला रुपीज में ही होगा, आपके दिमाग में ऐसा लगता होगा कि भैया दोनों मामला रुपीज में ही होगा, बट एक्चुअल में जो ये रेट है ये काउंट होता है परसेंटेज में, और प्राइस है ये काउंट होगा आपके इंडियन रुपीज में, समझ में आया ये बात। तो अगर मैंने बोला कि 50 रुपए का मैंने सामान खरीदा है और उस पर 18% ऑफ रेट के हिसाब से जीएसटी लगा है, तो आप क्या करेंगे, 50 रुपए का 18% निकालेंगे, मतलब 18/100 × 50 करेंगे, जो अमाउंट निकला वो आपका क्या निकला, जीएसटी। और अगर इस चीज को मैं चेंज कर दू, मैं आपको बोलू 50 रुपए का सामान है और आपको 18 रुपीज का जीएसटी निकला है, मतलब आपका रुपीज और रुपीज मिल गया, मतलब आपको टोटल वैल्यू कितना देना पड़ेगा, 68, समझ में आया। और यहां पे आपको पहले पता करना पड़ेगा कि 18% मतलब कितना रुपीज, और 18% मतलब जितना रुपीज आएगा वो आप जोड़ लोगे 50 रुपए में, समझ में आया क्या, क्या नहीं आ रहा है। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें ये कंफ्यूज कर सकती है, तो आपको ये मैं पहले स्टार्टिंग में ही क्लियर करता हूं। तो ये हो गया, फिर से एक बार बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू समझ में आया आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, जिसमें जीएसटी नहीं है बट जीएसटी लगने वाला है। अब आप बोले सर ये इतना कंफ्यूजिंग वर्ड क्यों दिया है, अब मैं आपको बता दूं कंफ्यूजिंग वर्ड क्यों है। सबसे पहले अगर आप कई दुकानदार पे जाओ, सर जो 50 रुपए का आपने
एक टॉय ले लिया है तो आपके हिसाब से तो भैया टैक्सेबल वैल्यू हो गया, बराबर ना, टैक्सेबल वैल्यू हो गया है। अब मुझे इस पे समझो 10% जीएसटी लगा है, 10% मतलब 10% ऑफ रेट के हिसाब से, 10% के रेट के हिसाब से मुझे जीएसटी लगा है। तो 10% रेट के हिसाब से मतलब ₹5 जीएसटी लग गया, बराबर है। तो आप दुकानदार को कितना पैसा देंगे, 50 + 5 मतलब कितना रुपया, 55 रुपीज आप टोटल वैल्यू उसको दे देंगे। क्यों? क्योंकि 50 रुपीज टैक्सेबल वैल्यू था और उस पर 10% लगा है, मतलब ₹5 उस पर लग गया है, दैट्स व्हाई आप उसे 55 रुपीज देंगे। बट अगर ये मामला अगर आपके चाचा की दुकान है तो क्या होगा कि 50 रुपीज का टॉय है ना, 50 रुपीज का टॉय है तो आप बोलेंगे सही है चाचा मेरे को 10 रुपए दे देना भाई डिस्काउंट, है ना, 10 रुपीज अंकल 10 रुपए डिस्काउंट दे सकते हो कि नहीं दे सकते, तो देंगे नहीं देंगे, देंगे। तो अगर उसमें 10 रुपए का डिस्काउंट लग गया तो ये 40 रुपीज का बन गया। तो आपका टैक्सेबल वैल्यू कौन सा है, 50 है या 40 है, 40। समझ में आया? तो आपका जो जीएसटी लगेगा वो 10% किस पे लगेगा, 50 रुपए पे या 40 रुपीज पे, समझे? तो 40 रुपीज का हो जाएगा अगर 10% मान, समझो 4 रुपए लग गया तो आप उसको टोटल कितना पे करोगे, फर्क समझ में आया? ऐसा नहीं करेगा वो कि 50 रुपए एमआरपी है और आपको 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया और फिर भी उसने टैक्स 50 रुपए पे लगाया, ऐसा नहीं हो सकता। जितना डिस्काउंट मिलेगा वो माइनस हो जाएगा और जो वैल्यू बचेगा वही आपका टैक्सेबल वैल्यू होगा और उस टैक्सेबल वैल्यू पे आपको जितना परसेंट ऑफ रेट के हिसाब से जीएसटी लगे वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड देन टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इज इक्वल्स टू टोटल वैल्यू। समझ में आया क्या? ठीक है, तो टैक्सेबल वैल्यू और टोटल वैल्यू का कंफ्यूजन खत्म, रेट एंड रुपीज का कंफ्यूजन खत्म, और जीएसटी कितने भाग में डिवाइड होगा, 2 टाइप, सबसे पहले CST, उसके बाद SGST। क्लियर है? कब अप्लाई हुआ था, 1 जुलाई 2017। समझ में आया? अब जो चीज है, एक और एक चीज बता रहा हूं कि आप इसके ऊपर कैसे डिटेक्ट करेंगे भैया कौन सा परसेंटेज किस पे अप्लाई होगा। देखो गवर्नमेंट ने सब चीजों को क्लासिफाइड किया कि अगर हम लोग डेयरी के सामान ले रहे हैं तो डेयरी का अलग परसेंट ऑफ रेट है, अगर हम लोग कोई ऑयल ये सब चीजों का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अलग परसेंटेज ऑफ रेट है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक अगर कोई शॉपिंग करते हैं तो उसका अलग परसेंटेज ऑफ रेट है, अगर हम लोग किसी तरह का सॉफ्टवेयर या कोई सॉफ्ट कॉपी में डील कर रहे हैं तो उसका परसेंटेज ऑफ रेट अलग है। तो सबका अलग अलग क्लासिफाइड किया गया और सभी के पास एक नंबर होता है जिस नंबर को हम बोलते हैं HSN कोड। हर एक प्रोडक्ट का एक HSN कोड होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड, ऐसे से कुछ को इनका ये फुल फॉर्म है। तो ये एक कोड होता है और इस कोड के ऊपर डिसाइड होता है कि उस प्रोडक्ट का कितना जीएसटी है। और हालांकि आपको कुछ कुछ परसेंटेज ऑफ रेट ये टेक्स्ट बुक में दिया गया कि क्लासिफाइड किया, आप लोग देख लेंगे एक बार चार्ट ओपन करें। देखो पेज नंबर 84 पे आपको यहां पे दिया है कि 0% जिसमें रेट ऑफ जीएसटी लगेगा ही नहीं वो कौन कौन सा, यहाँ पे मिल्क सॉल्ट अर्दन पॉट्स वेजिटेबल फ्रूट्स लाइफ फूड ग्रेन्स, इसमें कोई भी तरह का जीएसटी नहीं है। उसके बाद लो रेटेड में क्या आता है, 5%। 5% में क्या कहलाएगा, रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस, जैसे मैंने आपको बताया हर गवर्नमेंट ने हर एक चीज को क्लासिफाइड किया और अलग हर एक का जीएसटी रेट अलग अलग है। तो 5% में कौन कौन से गुड्स है, एलपीजी सिलेंडर, टी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्वीट्स, ये सारी चीजें आपके 5% ऑफ जीएसटी में आते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया हमने कोई चीज खरीद ली और आपका मन मर्जी आपका जीएसटी लग गया, नहीं, जो गुड्स आपके क्लासिफाइड किए गए हैं, जो गुड्स के अलग अलग परसेंटेज ऑफ रेट है वो आपको यहाँ पे पूरा दिया गया है, उसी हिसाब से जीएसटी पे करना होता है। हाँ अभी तो चेंज है क्योंकि पोर्शन चार साल पुराना है तो सब में चेंज हर साल चेंज होते रहता है, किसी किसी में चेंज होता है किसी किसी में चेंज नहीं होता है, तो ये चेंज किया गया, बट अभी फिलहाल आपके पोर्शन के हिसाब से जो दिया है वो बता रहा हूँ, ठीक है। और 18%
और वहां पे लिखा भी है देखो, मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस आर इंक्लूडेड, मतलब 18% में सबसे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अप्लाई होता है। मोस्टली आप देखो कहीं भी 18% ज्यादा अप्लाई होगा, बट उन्होंने गुड्स दिया है जैसे मार्बल्स, ग्रेनाइट, परफ्यूम्स, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर एंड सीसीटीवी, ये सारी चीजें गुड्स आपके 18% में आते हैं। और सर्विसेज क्या है, सर्विसेज आपको जो प्रोवाइड की जाती है जैसे कुरियर सर्विस हो गया, आउटडोर कैटरिंग हो गया, सर्कस, ड्रामा, सिनेमास, एग्जीबिशंस एंड एक्सचेंज ब्रोकर सर्विसेज, शेयर ट्रेडिंग्स जो इसका टॉपिक्स भी है फाइनेंशियल प्लानिंग में, शेयर का जो आने वाले सेकेंड थर्ड एक्सरसाइज से स्टार्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रेडिंग होता है, इसमें क्या क्या ब्रोकर का यूज होता है, ब्रोकर कितने रुपीज लेता है, सारे इनपुट आउटपुट ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल हम जीएसटी का टॉपिक क्लियर करेंगे और उसके बाद स्टार्ट करें वो वाला। तो ये सारा है, और सबसे हाई रेटेड में क्या आता है, 28%, 28% का देखो बच्चों इसमें आता है लग्जरी आइटम्स, मोटर्स, मोटरसाइकिल, स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार्स, पान मसाला, ओ माय गॉड, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर। हाँ तो होना भी चाहिए, पान मसाले सारी चीजों में जीएसटी ज्यादा हो रहा तभी तो लोग कम करेंगे, बट वैसा होता नहीं। वॉशिंग मशीन, फ्रिजेस, टोबैको प्रोडक्ट, ये सारी चीजें 28% इस पे जीएसटी लागू होता है। समझ में आई बात? तो ये मतलब अगर मैं 10 रुपए का पान मसाला लेता हूँ तो उस पे करीब करीब कितना हो गया, मतलब अगर 50% हो गया 5 रुपए, उसका 50 ढाई रुपए, और 28% मतलब हो सकता है 3 रुपए के आसपास मुझे टैक्स देना पड़े, मतलब 10 रुपए का पान मसाला मुझे कितने मिलेगा, 13 रुपए, क्योंकि हालांकि कुछ कुछ पान मसाला यहाँ पे बैन भी है बट फिर भी बिकते हैं। समझ में आया? तो जीएसटी का थोड़ा सा मैंने उदाहरण अभी आपको जो दिया उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते रहूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस पर कितना फोकस करना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 4. प्रैक्टिस सेट 4.1 का ध्यान देंगे पहले, यहाँ पे लिखना बाद में, पहले यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, पहला है फर्स्ट क्वेश्चन, पवन मेडिकल सप्लाई मेडिसिन, ये पवन मेडिकल है जो मेडिसिन सप्लाई करता है, ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, कुछ मेडिसिन पे उसका रेट ऑफ जो जीएसटी है वो कितना है, 12%। सो व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, तो अगर 12% रेट वो जीएसटी देता है बच्चों, तो रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी मतलब उसका हाफ ऑफ हो गया, तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा, 6% किसको देगा वो, सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा उससे, और 6% किसने लेगा, एसजीएसटी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट उनसे 6% लेगा, जो भी अमाउंट निकलेगा उसका 6% स्टेट गवर्नमेंट लेगा और 6% सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? इस चीज को जब वर्ड्स में लिख लेंगे सब लोग। ठीक है, तो लिखो, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 12%, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 12%। ठीक है, वर्ड्स फॉलो, हमेशा वर्ड्स में लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले है, और डायरेक्टली शॉर्टकट में अगर ऐसे लिखे तो 2 में से आधे मार्क्स में मिलना असंभव है। ठीक है, तो रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 12%, सो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी सेम होता है, तो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2, मतलब जो भी वैल्यू आएगी जीएसटी अपॉन 2 किसका किसका होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो जीएसटी अपॉन 2 मतलब 12/2 मीन्स 6%, 12/2 मीन्स 6%। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या हुआ, ओके, ऑन सर्टन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी 9%, कुछ आर्टिकल पे अगर सीजीएसटी का रेट है, सीजीएसटी का जो रेट है अगर वो 9% है, ध्यान देना, कोई आर्टिकल पे अगर सीजीएसटी का जो रेट है अगर वो 9% है, व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी देन, सेम, क्योंकि भैया सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा, सेम होगा, तो सीजीएसटी अगर 9% है तो एसजीएसटी क्या होगा, 9%। इसको तो लिख ही सकते हो आप अपने लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद थर्ड लिखेंगे हम लोग, देखो थर्ड वर्क का क्वेश्चन है, इसमें
ओके जीएसटी भी दिया, व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी, ऐड कर लो भाई, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, जीएसटी ना, जैसे जीएसटी का आधा सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है वैसे दोनों को मिलाया तो क्या हो जाएगा, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर मिस रियल पेन सोल्ड 2 टीन ऑफ लस्टर पेन एंड टैक्सेबल वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे वर्ड वो आ गया, जो वर्ड आपको बताया था वो वर्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी एक रियल पेंट का दुकान है, उन्होंने 2 टीन ऑफ लस्टर पेंट, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज 2,800 रुपीज। उसने 2 टीन लस्टर पेंट का सोल्ड किया है, एक टीन का जो प्राइस था वो टीन का प्राइस कितना था, 2,800 बराबर है, एक टीन का प्राइस कितना है 2,800, तो दो टीन कितने बेचा होगा उसने, दो टीन कितने में हो गया बेटा, 2,800 इंटू टू कितना हुआ, 5,600 बराबर है, तो दो टीन का प्राइस है। अभी ये देखो ये दो टीन का प्राइस कितना हुआ, 5,600 रुपए। आगे क्या बोला, रेट ऑफ जीएसटी, रेट कितना दिया उसका जीएसटी का, 28%। समझ के लो पहले, रेट ऑफ जीएसटी दिया है 28%। अच्छा 28% किस पे, 5,600 पे, बराबर है कि नहीं, 28% किस पे, 5,600। अगर इसमें कुछ डिस्काउंट लगाया होता, दुकानदार बोला भैया एक काम कर 500 रुपए तो डिस्काउंट ले ले, तो इसका टैक्सेबल वैल्यू चेंज होता ना, क्योंकि हम 5,600 में से क्या करते, 500 माइनस करते, जो अमाउंट मिलता लाइक 5,100 वो उसका टैक्सेबल वैल्यू होता और उसके ऊपर हम लोग 28% जीएसटी लगाते। बट यहाँ पे किसी तरह का डिस्काउंट दिया है क्या, नहीं। तो भैया पहले पता करो कि ये जीएसटी 28% है, वो 28% मतलब रुपीज में कितना, समझ में। तो 5,600, तो हम लोग क्या लिखेंगे फॉर्मूला, जीएसटी इज इक्वल टू, हमेशा ये लिखना, जीएसटी इज इक्वल टू 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, ये हमेशा लिखना बच्चों। जीएसटी का क्या हम फॉर्मूला लिखेंगे, जो भी परसेंटेज होगा वो परसेंटेज ऑफ टैक्स, ऑब्वियस ही बात है किस पे लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू पे लगेगा ना, तो हम कैसे लिखेंगे, जीएसटी इज इक्वल टू 28/100 इंटू 5,600। समझ में आया बच्चों, तो ये जीएसटी 28/100, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा 000 कैंसिल करूंगा, 28 इंटू, कम ऑन गाइस निकालिए जरा, व्हाट इज द वैल्यू 28 इंटू 56, फास्ट डू इट फास्ट, कितना होगा, 1,568। तो ये क्या हुआ इसका, ये क्या हुआ जीएसटी, इतना अमाउंट किसको देना भैया, उसको गवर्नमेंट को देना, इतना अमाउंट किसे देना है, गवर्नमेंट को देना है, जीएसटी इतना आया। अब आगे क्वेश्चन देखिए उसने बोला, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अभी जीएसटी आपको कितना मिला, 1,568 बराबर ना, जीएसटी कितना मिला, 1,568 रुपए। अब इस 1,568 को आधा पार्ट कौन लेगा, और आधा पार्ट कौन लेगा, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या लिख रहे हैं हम लोग पहले से, सी जी एस टी इज इक्वल्स टू एस जी एस टी इज इक्वल्स टू जी एस टी अपॉन टू, मीन्स 1,568 अपॉन टू, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 1 left, 2 8s are 16, 2 4s are 8, तो 784 रुपीज फॉर सी जी एस टी एंड 784। समझ में आया पक्का, देखो सबसे पहले वो टीन का, एक टीन का प्राइस कितना था, 2,800, कितना टीन लिया उन्होंने, कितने का अमाउंट हुआ, 5,600 बराबर है, 5,600 पे कोई डिस्काउंट दिया क्या, डायरेक्ट जीएसटी कितना लगा, क्लियर है। तो जीएसटी का फॉर्म क्या लिखेंगे हम लोग, जीएसटी इज इक्वल्स टू 28% ऑफ, अगर कोई डिस्काउंट दिया होता तो क्या होता इसमें, माइनस होता, तो 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू।
सो जीएसटी इज इक्वल टू 28 अपॉन 100 इनटू 5600 कैंसिल किया 000 ऑल आपके पास क्या बचा 28 इनटू 56 आपका आंसर क्या आया 1568 ये रहा जीएसटी अमाउंट। अब उसने आगे क्वेश्चन बोला अगर ये जीएसटी अमाउंट है तो इसका सीजीएसटी और एलजीएसटी कितना होगा तो वो तो बहुत ही बेसिक है स्टार्टिंग एक दो क्वेश्चन हमने वही किया तो हम कैसे लिखेंगे आधे को याद रखो बच्चों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ वर्ड्स प्रॉब्लम को पूरे वर्ड्स वाइज ही आप बताओ डायरेक्टली वैल्यू लिखते मत ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ लिखाने तक मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना होता है बट हर चीज अगर जीएसटी लिख रहे हो तो ऐसा लिखो अगर आपको कोई सीजीएसटी एलजीएसटी निकालना पड़े तो ऐसा लिखो तो सीजीएसटी इज इक्वल टू एलजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन टू तो जीएसटी कितना है 1568 अपॉन टू किया तो 784 रुपीज सीजीएसटी और 784 समझ में आया गया लून गया फटाफट लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टीन सेम चीज जो मैंने लिखा है उसको प्रॉपरली लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टीन इज इक्वल टू 2800 रुपीज इज इक्वल टू 2800 रुपीज Taxable value of 2 tin is equals to 2 into 2800 rupees. So, कितना हो गया 5600 rupees. नीचे लिखेंगे Rate of GST is equals to Rate of GST is equals to 28% सॉल्व करेंगे यहाँ पे यहाँ से इधर तक सॉल्व करो फास्ट फास्ट करेंगे इधर तक लिखा सबने रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू दिस वन 1568 रुपीस इसके बाद ये लिखेंगे सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586 रुपीस एक रिस्ट वॉच का बेल्ट वो कितने हैं 586 तो टैक्सेबल वैल्यू मतलब इसके ऊपर क्या लगने वाला अभी अभी तक टैक्स लगा है क्या इसके ऊपर नहीं तो टैक्सेबल वैल्यू है मैं टीवी लिख देता हूँ या तो टीवी लिखना तो अलग ही लगेगा सच्चा टैक्सेबल ही लिख लेता हूँ सो टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा 586 रुपीस एक रिस्ट वॉच का जो बेल्ट है वो कितने में आ रहा है 586 रुपए का ठीक है रेट ऑफ जीएसटी इतने में तो हमारी घड़ी आ जाती है रेट ऑफ जीएसटी इज व्हाट 18% है अगर इसका जीएसटी उन्होंने दिया है कितना दिया है 18% ठीक है 586 रुपीज उसका टैक्सेबल वैल्यू मतलब अभी तक उस पर टैक्स नहीं लगा है और रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है 18% मतलब ये 586 पे क्या लगने वाला है 18% अब आपने उन्होंने क्या दिया है What is the price of belt for the customer? मतलब अब कस्टमर को कितना प्राइस देना होगा मतलब कितना टोटल वैल्यू देना होगा समझ में आ रही मेरी बात तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों इसमें कि 586 का 18% जो है वो निकाल लेंगे अमाउंट और जो अमाउंट निकला उसके ऊपर क्या कर लेंगे 586 ऐड कर लेंगे तो वो कस्टमर को उतना देना होगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जीएसटी इज इक्वल्स टू 18% of taxable value ये हमेशा इसी फॉर्म में लिखना ठीक है taxable value so 18 upon 100 into what is the taxable value here 586 बराबर है चलिए डिवाइड करो भाई इसको 2 5 10 ये 0 हो गया 2 2 4 2 9 18 2 3 6 इसको भी कर लेते 25 हो गया 2 9 18 अभी डिवाइड कर लो इसे इसको इससे मल्टीप्लाई करो 25 से डिवाइड करो फास्ट पहले उसको मल्टीप्लाई कर लो ऊपर क्या होगा बताओ जरा फास्ट करो बच्चों कितना हुआ 2637 डिवाइड बाय अब कितना आ रहा है ये पक्का 15.48 रुपीस 15.5 रुपए ऑलमोस्ट इतना ही देगा ना क्या नहीं देगा ये सबका आया या नहीं आया सही आया नहीं आया कितना आया 15.48 अभी ये क्या निकला 15.48 जीएसटी बराबर ना ये क्या निकला जीएसटी
बट उसको दुकानदार को देना कितना है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर द कस्टमर, मतलब कस्टमर को कितना प्राइस देना पड़ रहा है बेल्ट का, तो 586 रुपए इसका ये बरोबर, जिसको हम क्या बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी दोनों देना पड़ेगा ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। सो टैक्सेबल वैल्यू कितना था बच्चों 586 प्लस जीएसटी कितना था 15.4, चलिए ऐड करो सब लोग 601.48, होशियार है बच्चों 586 में 15 ऐड करके 0.48 लगा दिया ना, बट हमेशा इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना, हो सके कुछ गड़बड़ भी कर दो आप, ठीक है, तो पेन है आपके पास, पेपर है उसपे भी सॉल्व किया करो, तो 601.48 मतलब 601 रुपए 48 पैसा ये उसको देना पड़ेगा। समझ में आया सभी को, टैक्सेबल वैल्यू दिया था 18% जीएसटी लगा उसपे, तो जीएसटी 18% का मतलब क्या हो गया 586 पे 15 रुपए 48 पैसा, उसको टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा 586 प्लस 15 रुपीज 48 पैसा, दोनों मिला के कितना हुआ 601.48 पैसा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको टोटल अमाउंट दे दिया है, इसमें से जीएसटी अमाउंट क्या है वो नहीं बताया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टोटल अमाउंट का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑलरेडी क्या होता है जीएसटी का जो अमाउंट ऐड किया होता है, ये वापस एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख क्या बोला, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल कार इज 1770 रुपीज। एक कार का टॉय करा, एक टॉय कार का जो प्राइस है 1770 रुपीज, इसके अंदर जीएसटी भी ऐड है, इसके अंदर जीएसटी ऐड है, क्यों बोला मैं जीएसटी ऐड है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है टोटल वैल्यू। अब मुझे ये नहीं पता कि एक्चुअल में इस कार का टैक्सेबल वैल्यू क्या है, टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है जिसके ऊपर जीएसटी ऐड नहीं किया, जिसके ऊपर जीएसटी अमाउंट ऐड नहीं किया, और टोटल वैल्यू क्या होता है जिसके ऊपर जीएसटी का अमाउंट ऐड किया हुआ है। तो ये 1770 में ना ये दोनों चीज है, इसके अंदर एक है टैक्सेबल अमाउंट और एक है जीएसटी अमाउंट, तो हमें इसके अंदर जो मिल रहा है वो है टैक्सेबल अमाउंट और जीएसटी अमाउंट, ये दोनों को मिला के कितना ऊपर हो रहा है 1770 रुपीज, टैक्सेबल अमाउंट और जीएसटी अमाउंट दोनों मिला के कितना हो रहा है 1770 रुपीज, बट हमें यह पता है क्या इसका टैक्सेबल अमाउंट कितना है, हमें नहीं पता, हमें यह पता है कि इसका जीएसटी अमाउंट कितना है, नहीं पता। अगर हमें पता चल जाए कि जीएसटी अमाउंट कितना लिया है, उस जीएसटी अमाउंट को अगर मैं टोटल अमाउंट में से माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एग्जैक्टली मुझे क्या मिलेगा टैक्सेबल अमाउंट, बट मुद्दा ये कि मुझे जीएसटी अमाउंट पता ही नहीं है, और जो चीज पता नहीं है मैं क्या मान लूं उसको एक्स रुपीज। सो लेट जीएसटी अमाउंट इज एक्स रुपीज, जीएसटी अमाउंट कितना मैं मान लिया एक्स रुपीज, ये जीएसटी अमाउंट को अगर मैं पता कर लूं तो ये सीधा सीधा मैं माइनस कर दूंगा टोटल अमाउंट में से, और टोटल अमाउंट में से अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा टैक्सेबल अमाउंट, अब वही हमें फाइंड आउट करने बोला है, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू और सीजीएसटी और एचजीएसटी। तो जीएसटी अमाउंट पता चल गया तो उसको मैं हाफ कर दूंगा सीजीएसटी अमाउंट, और हाफ सेम चीज एचजीएसटी अमाउंट, और ये पूरे जीएसटी अमाउंट को अगर मैं टोटल अमाउंट में से माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा टैक्सेबल अमाउंट। क्लियर है कंसेप्ट यहां पे? सो मैं क्या लिखूंगा, जीएसटी इज इक्वल्स टू कितने परसेंटेज दे रहा है उस पे 18%, सो जीएसटी इज इक्वल्स टू 18% ऑफ व्हाट टैक्सेबल वैल्यू, बरोबर ना, जीएसटी इज इक्वल्स टू 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी कितना पता है क्या मुझे, नहीं, तो कितना लिखूंगा मैं एक्स इज इक्वल्स टू 18/100। अच्छा मुझे टैक्सेबल वैल्यू पता है क्या, टैक्सेबल अमाउंट पता है क्या, नहीं फिलहाल तो नहीं पता है, बट मुझे ये पता है कि अगर मैं
टोटल वैल्यू में से जीएसटी अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? टैक्सेबल ही मिलेगा। सो टोटल वैल्यू कितना है मेरा बेटा? 1770। और जीएसटी अमाउंट कितना है मेरा? एक्स। मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू अगर मुझे मिल जाएगी तो 1770 में से माइनस कर दूंगा और मुझे क्या मिल जाएगा? जीएसटी अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट। क्लियर है बच्चों? तो मैं यहां पे टैक्सेबल वैल्यू की जगह पे क्या लिखूंगा? 1770 माइनस है, यही मेरी वैल्यू है ना टैक्सेबल। अब मेरा मुद्दा मेन है कि मुझे एक्स की वैल्यू निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, ये डिवाइड एक्स है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीपल। सो ये हो जाएगा 100 इंटू एक्स, इधर क्या बचा? 18 इंटू 1770 माइनस एक्स। क्लियर है बच्चों? अब ये 100x बन गया और ये क्या बना? 18 इंटू 1770 मल्टीप्लाई किया माइनस, और ये हो जाएगा 18x। क्लियर है? अब मुझे x की वैल्यू निकालना है तो माइनस 18x को इधर बुला लो, सारे x x एक साथ आ जाएंगे, जो भी ऑपरेशन होगा इसमें होगा। सो 100x माइनस 18 इधर आके हो जाएगा प्लस 18x इज इक्वल्स टू 18 इंटू 1770। सो ये हो जाएगा 118x और ये हो जाएगा 18 इंटू 1770। अब मल्टीपल 118 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। सो एक्स इज इक्वल्स टू 18 इंटू 1770 अपॉन 118। क्लियर है? अब डिवाइड कर लेते हैं कैसे। 2 9s are 2 5s are और 2 9s are। क्लियर बच्चों? और किसे जाएगा अभी? किसे जाएगा? 3 से जाएगा, इससे जाएगा। देखो यहाँ पे किससे डिवाइड होगा बच्चों? 3 से नहीं जाएगा ना, 7 से नहीं, 7 8 56 किससे जाएगा? तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, तो लो फिर मल्टीप्लाई कर लेते। तो 1770 इंटू 9 कितना हो जाएगा बताओ जरा मुझे? 1 5 1 5 9 3 0 डिवाइड बाय कौन है? 59। अब किससे जाएगा फास्ट? डिवाइड बाय कौन है? 59। आपने मल्टीप्लाई 9 इंटू 1770 किया ना, पक्का? ओके, डिवाइड बाय 59। सिंप्लीफाई कर ले इससे, डायरेक्ट 59 से डिवाइड कर लेते। करो करो फास्ट करो, मुझे वैल्यू बताओ डायरेक्ट बेटा। 270 रुपीज। अच्छा ये 270 रुपीज क्या है? ये क्या है? जीएसटी अमाउंट। क्लियर है सबका? सही आया है। 270 क्या है हमारा? जीएसटी अमाउंट। हमेशा कैलकुलेशन के लिए तैयार रहो, ठीक है? हमेशा बुक ओपन करके रखो। 270 रुपीज आपका क्या है? जीएसटी अमाउंट। और ये अमाउंट अगर मैं माइनस कर दूं टोटल अमाउंट में से तो मुझे क्या मिलेगा? टैक्सेबल अमाउंट। क्लियर है ना? तो हमारा ये टैक्सेबल अमाउंट तो हमें चाहिए, पर ये हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी भी चाहिए। तो जीएसटी अमाउंट अब आपका 270 है, सो सीजीएसटी कितना होगा बेटा? सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू जीएसटी अपॉन 2, मतलब 270 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 135 रुपीज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू भी तो चाहिए, सो टैक्सेबल वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा आपका? टैक्सेबल वैल्यू टोटल वैल्यू माइनस जीएसटी है ना, टोटल वैल्यू माइनस जीएसटी, यही है ना हमारा एक्स मतलब क्या हुआ? जीएसटी है ना। सो टोटल वैल्यू कितना बच्चे यहाँ पे? टोटल वैल्यू कितना है? 1770 माइनस 270 कितना आया? 1500 रुपये। तो टॉय की कीमत कितनी थी? 1500 रुपीज। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, जब भी आपको कोई टैक्सेबल वैल्यू निकालने की कोशिश बोलेगा कि भैया टैक्सेबल वैल्यू निकालो, और आपको टोटल वैल्यू दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है? टोटल वैल्यू में से जीएसटी की जो वैल्यू है वो माइनस करनी है। ऑब्वियसली माइनस करनी पड़ेगी ना,
अगर मैं जीएसटी की वैल्यू माइनस कर देगी तो मेरे पास क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू। और जीएसटी की वैल्यू मतलब आप उसको हाफ करोगे सीजीएसटी और हाफ करोगे तो एसजीएसटी। बात यहाँ पे क्लियर है। और जीएसटी वैल्यू जब आपको पता नहीं रहेगी तो आप क्या लिखोगे, वो एक्स रुपीज है, और एक्स की वैल्यू निकाल के आप जीएसटी वैल्यू निकाल लोगे, उस जीएसटी वैल्यू को आप टोटल वैल्यू में से माइनस करोगे, आपको मिल जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। और जो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, 1500 रुपीज, और जो जीएसटी वैल्यू आई है 270, उसका हाफ हाफ किया हमने, मिल जाएगा 135 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ होगा, इसमें काफ़ी चीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू, सारी चीज़ें फाइंड आउट करें। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 के अगर हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब 1 से लेकर 5 तक का हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। क्लियर है बच्चों? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।